ठंडाई सिर्फ अब मार्केट में दिखने लग गया है और होली तो ठंडाई के बिना बहुत ही अधूरी है। डरिए मत, आपको यहाँ मैं ये नहीं कहने वाली कि आप अब ठंडाई भी मत लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको ये ठंडाई के बारे में फैक्ट्स बताऊंगी ताकि आप हेल्दी चॉइस खुद ही कर सके। होली का टाइम है यानी कि फेस्टिव टाइम है, तो आप ज्यादा कभी कभी खा लेते हैं या स्वीट्स ज्यादा हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये गिल्ट रहता है कि आप बहुत ज्यादा खा चुके हैं। तो इस गिल्ट को भी आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्रोडक्ट का नाम लेने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो किसी भी फूड कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते प्रोडक्ट पे दिए हुए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना रिव्यू देती हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है और कौन सा बुरा। पर मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते यहाँ पे मैं एक और पॉइंट रखना चाहूंगी कि अगर आपको सेम टेस्ट चाहिए और थोड़ा हेल्दी वर्जन चाहिए तो आप इस प्रोडक्ट के बजाय आप पाउडर, जो ठंडाई का पाउडर आता है, आप वो भी ले सकते हैं। ठंडाई पाउडर लेने का एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें चीनी मिक्स नहीं होता है और ना ही पानी मिक्स होता है, यानी कि आप 100% जो इसके इंग्रेडिएंट है उस पे पैसे लगा रहे हैं सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये है कि आप अगर वेट लॉस पे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप चीनी कम लें तो आपके पास वो चॉइस होता है, आप चीनी कम डाल के ले सकते हैं या स्टीविया डाल के ले सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है उनके पास भी चॉइस है कि वो भी बिना हेल्थ कॉन्शियस हुए हुए इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ये जो ठंडाई पाउडर है इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर तो नहीं मिलाया गया है, लेकिन हाँ प्रिजर्वेटिव जरूर मिलाए गए हैं। बट यहाँ प्रिजर्वेटिव का नाम नहीं डाला गया है कि कौन सा प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाहते हैं, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 बार लेना चाहते हैं या डेली भी लेना चाहते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को बेशक ले सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो चीनी का इंटेक है वो थोड़ा कंट्रोल पोर्शन में लेना है। और हाँ, ये लेने की वजह से आपके बच्चे भी हाइपर एक्टिव नहीं होंगे और आप रात को सोने से पहले भी इसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इन दोनों का प्राइस को लेकर के है, अगर आप ये 750 ml का बॉटल लेते हैं तो आपको ये पड़ता है 300 रुपए का, जिसमें 75% से ज्यादा पानी और शुगर है। तो यानी कि आप जो 300 रुपए दे रहे हैं वो बेसिकली पानी और चीनी के लिए दे रहे हैं। अगर आप इस पाउच की बात करें तो 200 ग्राम का पाउच है और 123 रुपीज का है, और इसमें आपको कोई चीनी नहीं मिल रहा है, इसमें आपको 100% पाउडर है जो आपको चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे कि इन दोनों में से मैं कौन सा प्रोडक्ट चूज करूंगी तो एनी डे आई विल चूज दिस पाउडर, बिकॉज मैं इसमें चीनी का अमाउंट कंट्रोल कर सकती हूँ, साथ ही साथ जो डायबिटिक है वो भी इस प्रोडक्ट को इजीली ले सकते हैं और बच्चे भी हाइपर एक्टिव नहीं होंगे। जाते जाते मैं आपको ये बोलूंगी कि आप होली अच्छे से मनाए, सेफली मनाए, खूब इंजॉय करें और कहीं भी गिल्ट वाली फीलिंग अपनी होली में नहीं आने दें। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि पाउडर वाला या सिरप इन दोनों में से कौन सा ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट है। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो foodjasoos.mera.link पे कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फूड जासूस को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं।